सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की एक और इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमको प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हों और सेकेंडरी के भी नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हों और अगर हमको प्राइमरी वोल्टेज भी दिया गया हो तो हम किस तरीके से सेकेंडरी वोल्टेज और वोल्ट पर टर्न्स यानी कि पर टर्न्स, चाहे वो प्राइमरी के टर्न्स हो या फिर सेकेंडरी के टर्न्स हो, हम दोनों के प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों के वाइंडिंग के जो पर टर्न्स वोल्टेज कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि प्राइमरी के नंबर ऑफ मतलब कि एक के टर्न्स में कितना वोल्टेज हमको मिलेगा और सेकेंडरी के एक टर्न में हमको कितना वोल्टेज मिलेगा एंड सेकेंडरी वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें भाई गिवन क्या क्या है, क्या क्या चीज हमको, कौन कौन सी वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी टर्न्स है, ठीक है। प्राइमरी टर्न्स हमारे पास है यहाँ पे 1000 टर्न्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1000 टर्न्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स है हमारे पास 400 सेकेंडरी टर्न्स है। तो जो हमारे पास N1 है वो है हमारे पास 1000, ठीक है। N1 मींस प्राइमरी टर्न्स एंड जो हमारे पास N2 है, N2 मींस सेकेंडरी टर्न्स, वो है हमारे पास 400। एंड सेम इसी तरीके से हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज जो है हमारे पास वो है 440, ठीक है। 440 वोल्ट हमारे पास जो है वो है प्राइमरी वोल्टेज यानी कि V1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसफार्मर का यहाँ पे डायग्राम है। तो जो प्राइमरी साइड होगी, प्राइमरी साइड की जो वोल्टेज होगी वो होगी हमारी V1, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज जो होगी वो होगी हमारी V2। यहाँ पे प्राइमरी साइड की वोल्टेज हमको दे रखी है यहाँ पे 440 वोल्ट है, ठीक है। और सेकेंडरी साइड की वोल्टेज हमको निकालनी है। सेम इसी तरीके से जो नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो हमारा N2 होगा और प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो हमारा N1 होगा। तो यहाँ पे N1 हमारे पास 1000 है, 1000 है, और N2 हमारे पास है 400, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है V1 / V2 इक्वल होगा हमारे N1 / N2 के, ठीक है। शायद आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे V1 / V2 इक्वल होता है हमारे N1 / N2 के। तो यहाँ पे हमको क्या काम करना है, यहाँ पे हमको V2 निकालना है क्योंकि हमारे पास V1 है, N1 है और N2 है। तो हमको यहाँ पे V2 निकालना है। तो V2 हम यहाँ पे आसानी से देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। V1 हमारे पास 440 वोल्ट है, V2 हमको निकालना है इक्वल में N1 हमारे पास है 1000 और हमारे पास N2 है 400। तो यहाँ पे भी हमको V2 निकालना है। तो V2 निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा सिंपल 440 मल्टीप्लाई 400 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, यही आएगा यहाँ पे। चलिए इसको V1 / V2 इक्वल टू N1 / N2, इसको अगर हम यहाँ पे हमको V2 निकालना है, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे हमको V2 निकालना है तो क्या आएगा, यहाँ पे V1 / N2 / N1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये V2 निकालने के लिए, ठीक है। अगर हम अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आएगा, अगर हम 440 की मल्टीप्लाई 400 से करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 176000, ठीक है।
और इसको डिवाइड करेंगे हम 1000 से। 1000 से यहाँ पे जो 30 है, 30 से 30 अगर कट गई तो यहाँ पे हमारा V2 आएगा 176, ठीक है। यानी कि V2 आ गया हमारा यहाँ पे V2 176 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 176 वोल्ट हमारा सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा हमारा 176। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी वोल्टेज हमारा 440 वोल्ट है, तो सेकेंडरी वोल्टेज 176 वोल्ट यानी कि 176 वोल्ट क्यों आया, ये ज्यादा क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे अगर आप अपनी कैलकुलेशन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी देख सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ पे 1000 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के हैं, तो सिंपल सी बात है कि प्राइमरी का वोल्टेज भी ज्यादा होगा। और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज भी कम होगा, ठीक है। अभी अगर मान के चलिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करने में अगर आपका प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा है लेकिन आपका जो सेकेंडरी का अगर वोल्टेज अगर ज्यादा आ जाता है प्राइमरी से, अगर आपके प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, और अगर आपका सेकेंडरी का वोल्टेज अगर प्राइमरी से ज्यादा आ रहा है इस केस में, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो आप यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है इनके अकॉर्डिंग भी आप खुद एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, जिस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसी साइड की वोल्टेज भी ज्यादा होगी, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे वोल्ट पर टर्न्स निकालें, यानी कि भाई पर टर्न में हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है अगर हम ये निकालें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइमरी का निकालते हैं कि प्राइमरी साइड में कितना नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज हमको मिलेगा, यानी कि पर टर्न में कितना मिलेगा। प्राइमरी साइड अगर हम देखें वोल्ट पर टर्न, ठीक है, अगर हम प्राइमरी साइड का देखें तो प्राइमरी साइड का देखने के लिए अभी यहाँ पे हमको वोल्ट पर टर्न निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइमरी के लिए हमको V1 अपॉन में N1, अगर हम V1 अपॉन में N1 लेंगे, यानी कि जो प्राइमरी का जो वोल्टेज है उसको अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्राइमरी का वोल्ट पर टर्न निकल आएगा, यानी कि एक टर्न में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हमको निकल आएगा। तो प्राइमरी का V1 जो था, यानी कि V1 जो कि हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज हमारा था 440 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट, और N1 था हमारा यहाँ पे 1000, ठीक है, N1 हमारा 1000 था, नंबर ऑफ टर्न्स जो थे हमारे 1000 थे। तो यहाँ पे अभी हम V1 को N1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 440 को अगर आप 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे, तो 440 को हम 1000 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा 0.44, ठीक है, 0.44, यहाँ पे 0.44 वोल्ट जो है वो हमारा एक सिंगल टर्न पे आएगा, यानी कि एक टर्न पे हमको प्राइमरी साइड में 0.44 वोल्ट मिल रहा है। और 1000 टर्न्स पे कितना मिल रहा है, 1000 टर्न्स पे हमको मिल रहा है 440 वोल्ट, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी साइड का। सेम अगर हम सेकेंडरी साइड का अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो सेकेंडरी साइड का अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको सेम कैलकुलेशन है, यहाँ पे सिर्फ हमको जो फॉर्मूला जो है वो V2 अपॉन में N2 हो जाएगा, ठीक है, V2 अपॉन में N2। V2 हमारा कितना आया था, जो कि प्राइमरी साइड का जो सेकेंडरी साइड का जो हमने निकाला था वो आया था 176, ठीक है, 176 हमारा सेकेंडरी वोल्टेज था, और N2 हमारा कितना था, N2 यहाँ पे हमारा 400 था, यानी कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो थे हमारे वो थे 400 टर्न्स। तो अभी हम जो 176 जो हमारा वोल्टेज है सेकेंडरी का, उसको अगर हम सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.44, ये भी हमारा सेकेंडरी का भी हमारा जो वोल्टेज आ रहा है
वो भी हमारा 0.44 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड का हमारा जो वोल्टेज जो है वो हमारा सेम है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि प्राइमरी के साइड में भी पर टर्न्स, पर सिंगल टर्न्स हमारा जो वोल्टेज मिल रहा है हमको वो 0.44 वोल्ट मिल रहा है, और सेकेंडरी साइड का भी जो हमको सिंगल टर्न में जो वोल्टेज मिल रहा है वो 0.44 ही मिल रहा है। अब आपके एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज जो ली थी, देखिए जो मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज जो हमने लिया, मैंने जो लिया था ये मैंने अपनी मर्जी से लिया था। ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखी थी। अभी आपका जो एग्जाम होगा या फिर आप एग्जाम में अगर आप जब आप मतलब कोई भी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे वैल्यूज कम भी हो सकती है, यहाँ पे प्राइमरी साइड ज्यादा हो सकता है, सेकेंडरी साइड कम हो सकता है, या फिर सेकेंडरी साइड की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, प्राइमरी साइड की कम हो सकती है। तो आप सेम जो मेथड जो है वो सेम है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, वैल्यूज मैटर नहीं करती है, लेकिन जो प्रोसेस जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो टॉपिक जो था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की, और अगर हम रिप्लाई ना कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट्स सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम आपके लाइक्स और कमेंट्स से बहुत मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोज बनाने के लिए। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।